पोलैंड और रूस का दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट रहे हैं। पीएम के यूक्रेन दौरे पर खास तौर से पूरी दुनिया की निगाहें थी। युद्ध समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से साफ शब्दों में कहा कि टेबल पर आमने सामने बैठकर बातचीत से ही समाधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे तो सबकी नजरें इस बात पर थी कि वो ज़ेलेंस्की को क्या संदेश देते हैं, शांति के लिए कौन सा सुझाव देते हैं जिससे दुनिया को राहत मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कीव में कहा अब वो ग्लोबल हेडलाइन बन गया है। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया। भारत अगर शांति का प्रस्ताव लाए तो दुनिया का ध्यान देना बनता है। जिस तरह से ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर जंग खत्म करवाने का भरोसा मानो प्रधानमंत्री ने दिया हो अब वो चर्चित तस्वीर बन गई है। दो टूक अंदाज में बात रखना प्रधानमंत्री का अंदाज है, इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल बाद जब वो कीव में ज़ेलेंस्की के सामने थे तो बिना लाग लपेट उन्हें नसीहत दे डाली कि बिना समय गवाए शांति की बात करो। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज़ेलेंस्की को ये बात कहने से पहले पीएम मोदी ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद का भरोसा दिया। कीव पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आदर सत्कार की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि पीएम मोदी का ज़ेलेंस्की ने कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया। ज़ेलेंस्की ने खुद हाथ बढ़ाकर पीएम मोदी का वेलकम किया और उन्हें गले लगाया। ज़ेलेंस्की पहले हाथ मिलाते हैं और फिर पीएम मोदी को गले लगाते हैं। पीएम मोदी भी पीछे नहीं हटते। इसके बाद पीएम मोदी ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर मानो उन्हें जंग खत्म करवाने का भरोसा देते हुए दिखते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को याद दिलाया कि इसके लिए उन्हें शांति की टेबल पर पुतिन के सामने बैठना ही होगा। दोनों पक्षों के साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी, साफ संदेश दिया है कि बातचीत से ही समाधान होगा। आज तक ने युद्ध विराम को लेकर जब ज़ेलेंस्की से सवाल पूछा तो उन्होंने भारत और रूस को लेकर बड़ी बात कह दी। सुनिए गौरव सामंत के प्रश्न पर ज़ेलेंस्की का उत्तर। वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन रशियन इकोनॉमी टुडे यू हैव इट एंड इट्स ट्रू बिकॉज रियली अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज फॉर रशिया closed but India is open. We spoke about it with Prime Minister. Of course it helps today for Russian army, and I think that government of India of course understands it, and of course we will be happy to work how to find alternative. The role of India, if you will stop import the oil, Putin will have huge challenges. The sword, I think it's peace way to peace, yeah.